पसीने को रोटी खाकर जो जीते हैं उन्हें जीना कहते हैं, और किसी महिला के फटे आंचल को सीधे उन्हें मौलाना कहते हैं। विचार जिस घर में सुंदर विचार की नारी, पति सत्संगी हो जाए पत्नी भी सत्संगी, पत्नी भी सत्संगी हो पति भी सत्संगी, ये ऐसा घर में होना चाहिए। अब बहुत जगह हम जाते हैं पत्नी सत्संगी पति वृंदावन बिहारी, तो देखे नहीं हम लोग परिवार सत्संगी घूमते रहे। अब ले अपना परिवार है शिकायत। आज बहुत जगह पति यदि वैष्णव है पत्नी नहीं है तो पति को ध्यान पूजा में बाधा, पत्नी सत्संगी है पति नहीं है तो पत्नी को बाधा। कहना इन सत्संगी वह मछलियां करते ले झंझट। एक आदमी रहे सत्संगी पत्नी सत्संगी नहीं रहे, पत्नी कह है तोरा से हमरो बिहा ने होती है वो बड़ी कारम जर ही ले तोरा से बिहा होए वत्ते भोला बाबा का जल ढारिए ढारिए भूख लो रही रही तई तोरे से बिहा हो। अब भोलो हम शक्ति नहीं रही रहे जेहनो चाहे ओहनो हमरा नहीं मिले तो भोला बम कौन शक्ति छी। पति कहे जो हमरा से बिहार भैलो तोरा की दिक्कत, पत्नी कल के दिक्कत नहीं छे हमें जानी जतियौ तो सत्संगी छको वड़ा से बिहार ने करती है मरवा पर से भागी जती है पेपर में नम जती है जती है। पति कहे जो हम सत्संगी छे तो हमरा कमी छे जमीन ने छे मकान ने छे कमबै ने छे देखे में सुंदर ने छे गुटका ने खाई छे मधु ने खाई छे राजनिवास ने खाई छे रजनीगंधा ने खाई छे शिखर ने खाई छे दारू ने पिए छे मछली ने खाई छे मांस ने खाई छे डीजे पर नाचे ले जाय छे सत्संगो में बैठे छे। पत्नी कल के तोरो मकान या जमीन जारी जाय आगे लग लग हम नहीं रामड़ी या आठ दिन मांस मछली खाए देसला मुर्गा खाए लिए फार्म वाला खाए लिए बकरी खाए लिए खसिया खाए लिए कबूतर खाए लिए तोरा सत्संगी घरों में आदि 5 सालों से मछली मांस नहीं खाने चाहिए। रात का सपना बैठ छी पीठी पर रेलगाड़ी चढ़ी जाए छी की जान गेलो मर भोग बचबो भले रेलगाड़ी बंद रहे सरकार ने खोली दल के राती वो सपने लो अम्मा मछली खाए। पति कल के मांस मछली नहीं खा चलो भागलपुर हरिनंदन वाह दीक्षा लेबो वेदानंद वाह दीक्षा लेबो चतुरानंद वाह दीक्षा लेबो जोगानंद वाह दीक्षा लेबो व्यासानंद वाह दीक्षा लेबो सत्यानंद वाह दीक्षा लेबो केदार वाह दीक्षा लेबो कबीर मत मत दीक्षा लेबो रामानंदी दीक्षा लेबो शिव शिष्या बन भो। पत्नी कल के दीक्षा नहीं लेबे हमरो मछली खाई इच्छा करे हम मछली खाई पति कल के मछली तछली नहीं खा पत्नी कल के यो खाई भैया याद है तोरा बात बहुत दिन रखा है ना तोरा बात नहीं रखा। पति के जेबी में हाथ चल के 300 टका निकाल ले बाजार के ले लिए जल रात का बना खेल के ध्यान का जो बचलो रूह समेटी लल के पहना दवाई अंगना बोढ़े भेट अंगना बोढ़ी लल के दवाई अंगना अंगना कहे लगे दीदी है ये घर हम मिल जाग रही है 3-4 साल से मछली नहीं खेने जो पड़ो उड़ो पूड़ो कड़ो
काल गलियां बाजारियां नियां कहने दिए गरे नहीं मिले गोरा मछली खाम के मुच मुच कर रहे बारे को रोटी दाबने छोटी दी हृदय जुड़े लो बार और रोटी खेने या लोग तरकारी नहीं खेलो जरा दूटा रोटी खाई हम पंजरा घर भी बैठी लो काल गोरा मछली बार और रोटी खेने कबीर साहब कहते हैं बासी तेवासिस उपासे भाला नारी कुनारी से कुमारे भाला पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भाला। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों पति पत्नी दोनों को दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। जो सत्य बोलेंगे उसको एक बेटा, बेटा का नाम अब है आप 24 घंटा रहिएगा निर्भय। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहकर तीसरा धर्म मनुष्य को हिंसक नहीं अहिंसक बनना चाहिए। मनुष्य का भोजन है कंद मूल फल, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। भगवान कह रहे हैं कि एक दूसरे के भलाई करना बहुत बड़ा धर्म है। किसी भी जीव पर दया करना धर्म है, उसको भोजन देना धर्म है, रक्षा करना धर्म है, व्यवस्था करना धर्म है, उसके अंदर चेतन आत्मा को ब्रह्म के रूप में देखना यही धर्म है। गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान साधन भजन करना ये परम धर्म है, एक नंबर का धर्म। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चलिए अपने शरीर को जो स्वस्थ रखते हैं वह स्वर्ग में निवास। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काय। जो आदमी स्वस्थ है नज जमीन मकान नहीं है, दिन भर लोगों के काम करब, सांझ का 350 टका लेब, रात में एकदम गहूम के रोटी राहरी के दाल कोबी के तरकारी पूरा परिवार खेबे भयान भरू देख लो। जो आदमी संयम से भोजन नहीं करते हैं, रात दिन जहर खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, लंपट के संगति में करते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाहि। जो मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, शरीर में मिट्टी नहीं लगाते हैं, काम नहीं करते हैं, उसके जैसा धरती पर गरीब को। जो आदमी स्वस्थ है वह स्वर्ग। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काय। दूसर स्वर्ग है घर बीच माया। जिसके परिवार में मेल है, दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास यह दौलत है उससे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर प्यार ले सबका, एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। जिसके परिवार में आपस में प्रेम है उसके यहाँ स्वर्ग है। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसर स्वर्ग है घर बीच माया, तीसर स्वर्ग सुविचारी नारी। जिस घर में सुंदर विचार की नारी हो, सिर्फ सुंदर नहीं विचार भी सुंदर, बोली भी सुंदर, व्यवहार भी सुंदर, चरित्र भी सुंदर,
खान पान भी सुंदर, रहनी वृत्ति भी सुंदर, ध्यान पूजा साधन भी सुंदर, वह घर स्वर्ग।